हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ, बहुत दिन हो गए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं बिज़ी चल रही हूँ। आज मैंने बच्चों को सुबह ही बुला लिया है क्योंकि अनंत चतुर्दशी है आज। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने बच्चों को सुबह बुला लिया है क्योंकि शाम को सारे बच्चे बिज़ी हैं। तो अब कुछ बच्चे लर्न करके नहीं आए हैं, कल मैंने लर्न करने को दिया भी था, 2 आवर्स का टाइम है। तो देखिए तो मैं किस तरह से बच्चों को लर्न करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस कम्प्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले ही बच्चों को सब्जेक्ट वाइज लर्न करवा रखा था, हर चैप्टर वाइज, लेकिन अब बच्चों का रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बच्चों से सुन भी रही हूँ। मैथ्स का पेपर है बहुत सारे बच्चों का, 3 या 4 बच्चों का मैथ्स है कल, तो उनको मैथ की तैयारी करवा रही हूँ। बाकी बच्चे जो रिटर्न पेपर है, SST है, साइंस है, वो मैं सुन रही हूँ। ओनली मैं हार्ड वर्ड होंगे, स्पेलिंग होगी, मैं बच्चों से लिखवा लूँगी। चलिए मैं आपको बच्चों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो क्लासेस की बच्ची से मैं सुनती भी जा रही हूँ। नेम टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन एनिशिएट टाइम्स। हैंड स्पैन एंड क्यूबिट। व्हाट इज द मोशन ऑफ ए बाइसिकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। रेक्टिलिनियर मोशन। लाइनियर मोशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पैरोडिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम। ऑफ अ पेंडुलम। Give one examples of a combination motion and specify and two motion in it. Movement of the ball rolling. Rotational motion as. As. Well as. As well as rectilinear. Rectilinear. Rectilinear motion. Which motion is seen in the stressed vibes of a guitar when it is played? Periodic motion. What is the need for the standard unit of measurement? Rectilinear motion. When the motion of an object at an object is along a straight line, it is called rectilinear motion. Example motion of car of On a straight road. Second, circular motion. The motion of an object is along a circular path is called a circular motion. Example. Earth moving around the sun. तो आज इस बच्चे का बर्थडे भी है और ये देखिए किसे तैयार होकर आई है। सुबह सुबह ही बच्चों के लिए चॉकलेट भी लाई है और अच्छे से रेडी होकर भी आई है। जाओ बेटा और एक बार रिवाइज कर लो, फिर दोबारा सुनूंगी, ठीक है। तो एक क्लास 4th के बच्चे के MCQ क्वेश्चन है। मैम ने रिविजन नहीं कराया और मैम ने टिक कर दिए है कि यही MCQ आप अभी लर्न करके आओ क्योंकि क्लास में मैम टेस्ट लेगी, तो इसके एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। Animals that produce milk to feed their young ones are called animals होते हैं ना, जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, तो कौन होते हैं वो? Mammals. Which of the following is not a reptile? इसमें से reptile कौन नहीं है? Frog. Reptile क्या होते हैं? रेंगने वाले। Snake रेंग के चलता है, crocodile भी रेंग के चलता है, लेकिन frog कैसे चलता है? Jump करके, है ना? तो frog. Provide support to the plant. Stem. किसको चाहिए होती सपोर्ट की जरूरत प्लांट में? स्टेम को चाहिए होती है। अगर स्टेम पतली होगी तो सपोर्ट चाहिए, नहीं होगी तो नहीं चाहिए। कैरेट इज अ रिच ऑफ सोर्स। कैरेट में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किल बेस्ड जॉब? डॉक्टरी। डॉक्टर तो जो बनता है डॉक्टर वो होता है, वो कह रहा है कौन सी जॉब है जो स्किल बेस्ड है? डॉक्टरी। पंडित बिरजू महाराज वाज अ फेमस डांसर। कथक सिखाते थे वो, है ना, बहुत अच्छे डांसर थे। डैश और हेल्ड अ फेस्टिवल लाइक दिवाली एंड दशहरा। फेयर्स क्या होता है? मेला। दिवाली और दशहरे पर क्या लगता है? मेला। फेयर्स। मैम ने टिक कर दिए। अर्ली में लिव्ड इन प्लेसेस नहीं आएगा, केव्स आएगा।
गुफा में रहते थे पहले. अ डैश फिट ऑल द सैनिटरी वार्नर्स वेयर्स. सैनिटरी क्या होती है, जिन हमें नल पाइप की जरूरत होती है ना, बाथरूम में वॉशरूम में, तो कौन करता है इसकी? प्लम्बर. चैप्टर 9 तक है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड देता है हमें एनर्जी. फ्रूट्स आर यूजुअली ग्रोन इन ऑर्चार्ड्स. जहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं ना उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड्स. प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर बुलक. बुलक्स क्या होती है? बैलगाड़ी, बैल. और ट्रैक्टर्स या बोथ ए और बी, दोनों से खेती की जाती है. ट्रैक्टर का यूज भी करते हैं और बैलगाड़ी का यूज भी करते हैं. ठीक है, बैलों का. तो मैंने बच्चे से अब सुन लिए हैं, अब मैं बच्चे को लिख कर दे रही हूँ. तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया चैप्टर 4 से लेकर 9 तक. अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, मैं फिलिप्स की तरह दूंगी ताकि बच्चे को रटे नहीं और बच्चे को क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना आ जाए. तो देखिए मैं कैसे लिख कर देती हूँ. तो क्लास 4th के बच्चे का कल हिंदी का टेस्ट है, तो मैंने 4 से लेकर 8 तक पूरे शब्दार्थ दे दिए हैं. कल इसका ऑफ है बीच में, तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कुछ इससे लिखवा लिए हैं, शब्दार्थ लिखवा लिए हैं, और बाकी मैंने इसको 3 चैप्टर के लिख कर दे दिए. ठीक है, जितना हो रहा है मैं सुनती जा रही हूँ बच्चों से, और बाकी जितना है मैं बच्चों से लिखवाती भी हूँ. जितना होगा ये यहाँ करेगा, बाकी सब घर से करके लाएगा. ठीक है, तो घर के लिए मैंने वर्क दे दिया है, लर्न भी करने के करवा दिया है, सुन लिया है, लेकिन बच्चे को लिखवाना बहुत ज़रूरी है. ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों को लिखवाना ज़रूर है. इसी तरीके से बच्चे को देखो SST में 3 क्वेश्चन बच्चे को मैम ने लिखवा रखे थे, वो मैंने लर्न करवा के बच्चे से लिखवा लिए. इधर भी क्लास 4th के बच्चे का 2, 3, 5 वर्ड मीनिंग, 3 चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं जो मैंने सारे लिख कर दे दिए थे और मैंने यहाँ पर सारे एक साथ लिखवा लिए. तो देखिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मैंने पढ़ने के लिए दे दिया है. अभी 2 बच्चों के पेपर एग्ज़ाम नहीं है हाफ़ेली, बाकी सबके हाफ़ेली चल रहे हैं. तो अब कल बच्चों की, कुछ बच्चों का हॉलीडे है, एक दिन छोड़कर एक दिन पेपर है, तो थोड़ा रिलीफ मिल गया है मुझे. और इन बच्चों का, हाँ भाई इंग्लिश कर रहे हो ना? Yes, ma'am. इसको मैंने वर्ड मीनिंग 3 चैप्टर के लिख कर दे दिए हैं एक साथ, अभी उसको लिख रहा. जल्दी करो, क्वेश्चन आंसर भी करने. इस बच्चे का, क्लास 3rd के बच्चे का संस्कृत ओरल है. ठीक है, तो इनकी संस्कृत भी आ गई है ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए. तो ये हस्त है, र नहीं आएगा, आधा स आएगा. ठीक है, सुनाओ. हाथ, पैर, बाह, बुज, कंधा, स्कंध, बाल, कमर, गर्दन, ग्रीवा, नाक, घ्राणम, कान, कर्ण, दो बिंदी लगी हुई है, कर्ण, उंगली. उंगली को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अंगुली. आंख, नेत्रम, सेब, सेवम, मैं बता रही हूँ, चलो सेब, सेवम, आम, बोलो आमरम, आमरम, अनार, दाड़िमम, केला, कदली फलम, नारंगी, नारंगम, नारियल, नारी केलम, अंगूर, द्राक्षा, अमरूद, आग्रलम, और लीची, लीचिका, बेर, करकंदू. तो ये फलों के नाम लर्निंग की है ना, ये कर लो जल्दी से.